आय मैं महुआ किचन इंडिया महुआ में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को अलसी के बीज से और तिल के बीज से बड़ी बना के दिखाऊंगी, जिसे इंग्लिश में लीन सीड बोलते हैं, और सेसमी सीड से बड़ी बना के दिखाने जा रही हूँ। ये सब हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसे किसी भी तरह बना के खाए तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अगर इसे अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हाँ तो चले, मैं बड़ी बनाने के लिए ये सब चीजें ली हूँ। ये उड़द दाल को मैंने रात भर भिंगो के अच्छी तरह धोकर भिंगो के रखी थी और मिक्सी में पीस ली। और इसमें मैंने ये सेसमी सीड है, वाइट है, जिस तिल जिसे हिंदी में तिल कहते हैं, इंग्लिश में सेसमी ये सीड अच्छा, ये कहते व्हाइट हैं। तिल है ना। और अच्छा, ये काला तिल ये है। काला तिल है। अच्छा, और ये तीसी है। हाँ ये तीसी है, अलसी इसी को कहते हैं। हाँ, अलसी का बीज हाँ है। तीसी हाँ, तो इसका आप जो है ये बड़ी बनाएंगे, वो लीन सीड्स। लीन सीड इसे हाँ, कहता है। लीन सीड्स अच्छा, इसे लीन कहते सीड हैं। है ये, हाँ, और ये इसको और नमक है और अच्छा हींग है। ये सब चीज मिला के अलग अलग मैं लीन सीड्स के लिए तीसी को अलग से मिलाकर बनाऊंगी बड़ी, हाँ, और ये दोनों ये जो जो काला तिल और सादा है इसको मिला मिलाकर मैं अलग के बड़ी अलग से बनाऊंगी, बनाएंगे और इस। ये छोटा छोटा बड़ी मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये जो खाने में बहुत अच्छा लगता है, चावल दाल के साथ, खिचड़ी के इसे साथ। फ्राई करके खाइएगा, हाँ, है और ना। इसमें मैं थोड़ा चावल का आटा भी चावल मिलाए। का आटा भी मिलाएंगे हाँ, इसमें। ये मैं दिखा रहा हूँ कितना मिलाना। तो आप इसमें अब क्या करने जा रहे हैं? अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा, चावल का आटा भी चावल का। मिलाऊंगी, क्योंकि फ्राई करके ये खाना है ना, हाँ, तो ये ज्यादा तो कुरमुरा होगा हाँ, ज्यादा इसमें। कुरमुरा होगा। तो ये आप चावल का आटा मिला दी। लगभग 1 चम्मच के लगभग आपने चावल का आटा मिला दिया। और इसमें अब मैं इसको, ये हाँ सब डालूंगी एक में, और नमक और हींग थोड़ी अच्छा, सी। हींग भी दे दी, थोड़ी सी हींग दे रहे हैं इसमें। ये आप थोड़ी सी हींग दे रही हैं सब में, अच्छा, चुटकी भर। चुटकी भर हींग दे रही हैं। अगर जो नहीं पसंद करते हींग वो नहीं डाले। हींग तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, डाइजेशन अच्छा होता है। जो नहीं पसंद करते वो हींग नहीं भी डाल सकते हैं। तिल भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ अच्छा, तो अब आप इसको मिलाएंगे। हाँ मिला के मैं सबको मिलाकर बड़ी बनाऊंगी। तो आप इसको जो तिल है, व्हाइट तिल, हाँ, इसको मिला रही ये आप दे दे रहे हैं इसमें, हूँ। देती। और काला तिल भी, हाँ, इसे भी डाल रही इसको भी मिला हूँ। लीजिएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा नमक, नमक, इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दी, अच्छा, फिर इसको। ये करके अब मिलाकर तो इसका बड़ी बनाएंगे, है ना। तो आप इसको आप अच्छी आगे, तरह फेट कर मुझे बड़ी बनाना हाँ, है। इसको मिला करके आप बड़ी हाँ, बना देंगे। बहुत अच्छी इसमें और तरह। कुछ मिलाने की जरूरत है नहीं, नहीं। इसमें ठीक, ओके। थोड़ा सा चावल का आटा 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली हूँ, क्योंकि ये फ्राई करना है ना मुझे, फ्राई करके खाने लायक है, तो इसलिए इसमें चावल का आटा मिलाई कि और कुरमुरा लगेगा, क्रंचीनेस आएगा इसमें। ये आपका तिल का है, सादा तिल और काला तिल मिलाकर उसकी अब तिलौरी बना रहे हैं। ये छोटे छोटे साइज में होगा। हाँ, थोड़ा हाथ में पानी लगा रही हूँ सिर्फ।
अब आप ये क्या कर रहे हैं? तीसी वाली बड़ी मैं बना रही हूँ, ये तीसी को। हाथ में पानी लगा कर इसको डालें, फिर दिक्कत नहीं होगी। ये तीसी का बड़ी मैंने बनाई, तो इसे भी मैंने धूप में 2 घंटे के लिए सुखा दूंगी। अच्छा, 2 घंटे सुखेगा ना? हाँ, दो दिन के लिए मैं धूप में रखूंगी इसे सुखाने के लिए, तब ये खाने लायक हो जाएगा। हाँ, तब ये फ्राई करके खाने लायक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, तो मेरी ये बड़ी बन के तैयार है। 2 दिन मैं इसे धूप में सुखाई तो ये अच्छी तरह सूख गया है। तो ये तीसी का बड़ी है। ये कौन सा ये है? तीसी का, लीन, तीसी का है, लीन सीट। हाँ, लीन सीट का बड़ी है। और ये तिल का बड़ी है, सेसमी सीड्स का बड़ी है। अलसी इसी को बोला जाता है? अलसी ये है। अलसी ये है, हाँ। और ये सेसमी सीड्स, ये सेसमी तिल। हाँ, तिल है। अच्छा। तिल सफेद और काला तिल, काला तिल दोनों मिलाकर आपने बनाया है। ये आपका सेसमी है, लीन सीड है, अलसी जिसको। हाँ, तो आपको अचानक ये तिलोरी बनाने क्यों सूझी? क्योंकि मैं एक दिन बाजार गई कि ये लाने गई, बड़ी लाने के गई तिल का और तीसी का, तो मुझे नहीं मिला। तो मैं सोची क्यों ना मैं घर में ही इसे बना के देखूं, तो इसलिए मैं इसे बनाई हूँ। और तिल और तीसी जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सुना है कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये ओमेगा 3 से भरपूर है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 और बहुत तरह का मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, ये सब है। और ये डायबिटिक प्रतिरोधक, कैंसर प्रतिरोधक, और हार्ट के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल लो करता है, और एंटी एजिंग भी है सर। हाँ, एंटी एजिंग है, हेयर फॉल के लिए भी अच्छा होता है, एंटी रिंकल भी है। हाँ, ये इसके बहुत गुणकारी है ये बहुत ही गुणकारी है। तो आप इससे किसी तरह भी अगर इंटेक करें तो ये अच्छा ही होगा आपके किसी लिए। न किसी फॉर्म में इसे आप खाएं जरूर। हाँ, तो इससे आप अगर चावल दाल या खिचड़ी के साथ फ्राई करके खाएंगे तो ये बड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, तो मेरे सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, सजेशन भी दे। सेहतमंद रहे सब कोई, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।